अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को जो पेपर स्कीम पेयरिंग स्कीम बताने लगी हूँ वो किस क्लास की है, वो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए है। नाइन्थ के स्टूडेंट्स की इंशाल्लाह मैं सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को पेपर स्कीम बताऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को जिस सब्जेक्ट की पेपर स्कीम बताने लगी हूँ वो है आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में अब आप लोगों ने सबसे पहले तो देखना है कि आपके टोटल चैप्टर्स कितने हैं, और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगी कि उस चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, और इसी तरह आपके लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स में से आएंगे और उनके मार्क्स हर एक क्वेश्चन के कितने होंगे। तो इस तरह आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कौन सा चैप्टर अपना किस लिहाज से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने उसे प्रिपेयर करना है या MCQs के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आप चलें बायोलॉजी के, आप सबसे पहले देखेंगे टोटल चैप्टर्स कितने हैं। आपके जो बायोलॉजी के टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक, मतलब 1 से टोटल 9 तक आपके ऑनवर्ड सारे चैप्टर्स हैं। ये आपके टोटल चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी के। अब आपको मैं बताऊंगी हर चैप्टर के अकॉर्डिंग टोटल MCQs आपके कितने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ आएँ। चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि नंबर ऑफ MCQs इस चैप्टर में से कितने MCQs आ सकते हैं। तो जितने MCQs इस चैप्टर में से आएंगे वो हैं 2, और एक MCQ के जो मार्क होता है वो आपके पास 1 होता है। ठीक है, एक MCQ के जो मार्क्स होंगे वो आपके पास 1 है, इसी तरह 2 के 2 होंगे, और ऑनवर्ड जितने आपके 12 MCQs आएंगे पूरी बुक में से तो 12 के 12 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट इसी तरह चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें इसी चैप्टर के, तो वो जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पास 2 हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप चेक करें कि इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है या नहीं, जी आपको बिल्कुल इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा। और उसके जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास वो होंगे 5। अब यहाँ पे मैंने MCQ के आपको मार्क्स बता दिए, लॉन्ग क्वेश्चन के बता दिए, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के नहीं बताए। शॉर्ट क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स होते हैं हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का होता है। इस चैप्टर में से अगर टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स, दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के भी 2 मार्क्स, देन 2+2=4, मतलब इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 2 मार्क्स के MCQs और 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। इसी तरह मैं आपको हर चैप्टर का सीक्वेंस बताती जाऊंगी कि MCQs कितने हैं, उसमें से शॉर्ट कितने हैं और उसमें से लॉन्ग कितने हैं। 1, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाए अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में आपको 1 MCQ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है वो कोई भी नहीं आएगा। अब आ जाए चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 MCQs एंड जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है इधर से आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और वो आपके पास होगा 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में आपको 1 मार्क का MCQ आएगा, मतलब 1 ही MCQ आएगा, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 3 होंगे, और इसके साथ जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर में से वो कोई भी नहीं होगा। अब आ जाए आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से आपको 1 MCQ आएगा, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे वो होंगे 3, और नेक्स्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। और उसके जो मार्क्स होंगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के वो 5 है। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट ऑनवर्ड हम चेक करते जाते हैं 7 के लिए। 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी, 1 MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, और इसके मार्क्स होंगे 4। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं, वो है आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में जो आपको टोटल MCQs आएंगे वो 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो 4 है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, जिसके मार्क्स होंगे 5। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अगर आप लोग MCQs देखें तो वो 2 आएंगे इसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आएंगे वो आपके पास होंगे टोटल 4, और जो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 का
बी पार्ट होगा और उसके मार्क्स होंगे टोटल 4। इस तरह आपके पास ये पेयरिंग स्कीम बन गई है। टोटल जितने भी आप लोगों के यहाँ पे चैप्टर्स गिवन थे उनके हिसाब से कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग कितने एमसीक्यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में 5, 6 और 7 क्यों मेंशन किया। अगर आप लोगों को अपना पेपर देखें तो वहाँ पे एमसीक्यूज सबसे पहले आते हैं, आपको मिलते हैं, और वो टोटल 12 एमसीक्यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो लिखा होता है वो 1 होता है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो गया वो हो गया है एमसीक्यूज का। अब अगर आप लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएँ तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका होता है वो सब्जेक्टिव पेपर में से होता है। वहाँ पे आपका पार्ट नंबर 1 गिवन होता है और एक पार्ट 2। पार्ट नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस, पार्ट नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन। पार्ट नंबर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसके फर्दर 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 2 में से अब आपको मैं बताऊंगी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे फर्दर 8 पार्ट्स होंगे उनमें से किस चैप्टर्स में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे पार्ट्स में वो किन चैप्टर से होंगे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक। मतलब ये वाले जो 4 चैप्टर्स होंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर अगर आप लोग चेक करें तो आपके पास है 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए और लास्ट 2 चैप्टर्स क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया 3 ही क्वेश्चंस होते हैं, 2, 3 और 4 के हिसाब से होते हैं, और हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट्स आएंगे वो 8 आएंगे, और जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से पहले 4 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 में आपको शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे वो आपको 5, 6, 7 में से गिवन होंगे चैप्टर में से, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन होंगे वो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 में से गिवन होंगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। 4 के बाद फर्दर आपके पास जो पार्ट 2 स्टार्ट होता है वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 का ए और बी पार्ट, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। आप लोगों ने कोई से 2 लॉन्ग करने होते हैं और 3 आपके पास गिवन होते हैं। 3 आपके पास इसी तरह गिवन होंगे कि एक जो 5 का ए पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, 5 का जो बी पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 4 में से आएगा, इसी तरह आपके पास जो 6 का ए पार्ट है ये आपको चैप्टर नंबर 6 में से आएगा, देन 6 का बी आपको चैप्टर नंबर 7 में से, इसी तरह 7 का देख लें तो आपको 7 वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 एंड 9 में से आएगा। तो आई होप आपको इस पूरी पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी कि बायोलॉजी के आपको किस में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है, और उस हिसाब से आप लोगों ने इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और इंशाल्लाह आइंदा मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो इसके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके पेपर स्कीम बता दूंगी। और जो न्यू विजिटर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मैं जितनी भी आपको पेपर स्कीम्स हर सब्जेक्ट की बताती जाऊं तो उनको ढूंढनी ना पड़े, इजीली मिल जाए। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स फिर कमेंट कर रहे होते हैं कि मिस आप हमें बता दीजिए कि ये वाली इस सब्जेक्ट की पेपर स्कीम बता दें, जबकि वो मे भी होता है कि मैं बता चुकी होती हूँ और फिर मुझे उन्हें गाइड करना पड़ रहा होता है कि जी कि आप पीछे देख लें यहाँ पर मैं आपको ये बता चुकी हूँ, तो फिर उन्हें ढूंढने में थोड़ा मसला होता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को ढूंढना ना पड़े आप सब्सक्राइब करेंगे, देन जो भी लेटेस्ट न्यू वीडियो आएगी आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।